नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आईपीएल के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रनों से हरा दिया। फैंस इस मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटेड थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोमवार को मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स एक दूसरे के आमने सामने थे। इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद जॉस बटलर के दूसरे धमाकेदार शतक के दम पर 217 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टोली 210 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई। केकेआर की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 85 रन की शानदार पारी खेली, तो वही फिंच ने भी अपना अर्धशतक जमाया, लेकिन चहल ने हैट्रिक के साथ 5 विकेट लेकर मैच की तस्वीर ही बदल दी और मैच को राजस्थान के पलड़े में डाल दिया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 25 मैच खेले गए हैं। इनमें से राजस्थान रॉयल्स ने 11 और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 मैच अपने नाम किए हैं, जिसमें एक मैच रद्द कर दिया गया था। ब्रिबोन स्टेडियम में दोनों के बीच ये दूसरा मैच है। जॉस बटलर ब्रिबोन स्टेडियम में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज है। इससे पहले राजस्थान के ही 2 बल्लेबाज आईपीएल में इस मैदान पर शतक लगा चुके हैं और इस जीत से राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2022 की पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर पहुंच गए। वही कोलकाता नाइट राइडर्स 6वें पायदान पर काबिज है। राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता के खिलाफ एक बड़ी जीत अपने नाम की है। जॉस बटलर के साथ साथ युजवेंद्र चहल ने भी राजस्थान की जीत में अहम रोल निभाया। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन कमाल का प्रदर्शन कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस साल राजस्थान की टीम आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।